नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। मेरे साथ सीएलसी परिवार से पिछले 13 साल से मल्हारगढ़ मध्य प्रदेश के जुड़े हुए राजेंद्र साहू साहब हैं। 13 साल से एक रिश्ता आपका सीएलसी के साथ, और आप अनेकों बच्चे बच्चियों को यहाँ एडमिशन करवा के उनको MBBS में, NIT में, डेंटल में सिलेक्शन के साथ आप सफल होकर जा रहे हैं, और 13 साल से आपका विश्वास बना हुआ है, हर दिन वो बढ़ता जा रहा है। और आपको हमारे साथ जोड़ने वाले हमारे सादरी के महेश शर्मा हैं। तो मैं सबसे पहले महेश भाई को नमस्कार करना चाहूँगा। महेश जी, सादरी के बेटा मेरे पास आया था तो सिलेक्ट हुआ और बढ़िया सेट है, महेश जी ने आपको जोड़ा। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, दीपक से दीपक ऐसे जलता है, प्रेम से प्रेम की ज्योत ऐसे जलती, खुशबू ऐसे फैलती है, और 13 साल से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। निश्चित बात 13 साल में एक पूरा सिस्टम बदल जाता है, बड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन आपका विश्वास बना हुआ है। तो साहू साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप अपनी 2010 से लेकर 23 तक की इस 13 साल की यात्रा को जरा बताएं दर्शकों को। सर, पहली बार मैं आया था जब छोटा सेटअप था, सुविधाएं कम थी, आपने मेरे को विजय ग्राउंड बताया कि अपन नई न्यू डालने वाले हैं। उसके बाद सुविधा दिन प्रतिवर्ष बढ़ती गई, सुविधा बढ़ती गई, सिलेक्शन बढ़ते गए, क्या बात है, और बच्चों बच्चों में विश्वास बढ़ता गया, और हमारे में विश्वास बढ़ता गया। आज हम CAC छोड़ के दूसरी तरफ कहीं नहीं जा रहे, हमारे पास जस्ट 150 किलोमीटर दूर कोटा भी है। सही बात, हम 2 घंटे में कोटा जा सकते हैं, मगर हमको हमारे बच्चे का देखना है, बच्चे का व्यवहार देखना है, बच्चे कहीं बिगड़ नहीं जाए, बच्चे का हमको हमारे बच्चे को हमारे पास भी तो रखना वापस हमें, क्या बात। तो हम उस चक्कर में हम यहाँ से 650 किलोमीटर दूर सीकर आ रहे हैं। बहुत गहरी बात है, कोटा आपसे मात्र 150 किलोमीटर है, जी जी, फिर भी आप 650 किलोमीटर का सफर करके आ रहे हैं, जी जी। और आपके जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जरा उनके बारे में बताएं कि नाम सहित सभी के बारे में। सबसे पहले मेरी बेटी की ज्योत्ना साहू यहाँ सेलेक्ट हुई है, उसको NIT जालंधर, मेरा साहिल भी डिग्री वैसे ही के साहिल और ज्योत साथ एक ही बैच में थे। अच्छा, उसके साथ अब क्या कर रही है अब बेटी, क्या कर रही है? बेटी ONGC अहमदाबाद। मेरी बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत लाड प्यार, जिंदगी और आगे बढ़े आप। और उसने गेट का भी दिया था और ऑल इंडिया टॉपर रही वहाँ पे, क्या बात है। CLC का बच्चा तो कहीं जाओ भाई जी, उसकी पहचान होती है। फिर बेटी लाया दीपिका, उसकी छोटी वाली बहन, उसने यहाँ से किया। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 2-3-5 नंबर कम पड़े, इसलिए उसको BDS गवर्नमेंट कॉलेज मिला अपना इंदौर वाला। क्या बात, अभी क्या कर रही है वो बस पोस्टिंग लगने वाली उसकी वहाँ पे, क्या बात, हो गया, क्या बात है। फिर मेरी रियल बेटी लाया, ये दो तो आपके भाई साहब बेटियाँ हैं, भाई साहब की हम सही। आप क्या करते हो? कृषि करता हूँ। क्या बात है, किसान मतलब किसान आदमी 650 किलोमीटर दूर से एक अच्छी तलाश कर लेता है संस्था की, क्या बात है। किसान को पता होता है कि जमीन कौन सी ठीक है ना, किस जमीन में अच्छा अनाज पैदा होता, तो ये वो लोग हैं जो पहचान जाते हैं कि खुशबू अच्छी कहाँ है। मैं हिमानी के साथ 5 बच्चे को लाया था यहाँ पे, तो किसी कारणवश यहाँ से नील निकल गए, भाग के चले गए, कुछ कर उनको पढ़े ही समझ नहीं। आज वो बच्चे वहीं हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या बात। देखो, कुछ नहीं किया। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार कुछ बच्चे आते हैं, गार्जियन लेके आते हैं, उनको 10-5 दिन दिक्कत होती है मन लगने की, मन नहीं लगने की, उस समय चले जाते हैं, बट उसके बाद का कैरियर, हम उन बच्चों की बुराई नहीं कर रहे हैं, माफी चाहते हैं कोई, बट बता रहे हैं कि वो दुर्भाग्य होता है कि वापस जाने का मतलब फिर अपने गुड़िया रही आज वो सेट हो गई। तो इसलिए प्लीज, यदि बच्चे को 5-7 दिक्कत आए तो हिम्मत रखो, एक बार हिम्मत, अभिभावक को हिम्मत, अभिभावक मदद करनी पड़ेगी भाई, कोई जंगल तो है नहीं, जी जी, अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, जी जी, अगर बच्चे मैस में खाना खा रहे हैं, ये तो नहीं कि अकेला खाना बन रहा है, अकेला कुछ व्यवस्था है। इसलिए ये बहुत बड़ा मैसेज दिया साहू साहब आपने कि आप 5-7 दिन, उसके बाद तो मन लग जाता है अपने, बिल्कुल मन लगता है, और ऐसा लगता ही नहीं फिर वो फोन भी लगाते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ये कीपैड मोबाइल जो आपने चालू किया ये भी वापस बंद करना चाहिए। कीपैड तो आजकल थोड़ा सा क्या जमाना अपडेट थोड़ा चेंज हो गया, इसकी कोरोना में क्या मोबाइल्स की बहुत आदत पड़ गई। ये देखो, ये गार्जियन हमारे कीपैड के भी खिलाफत में है, और हकीकत ये है कि अब हमने हमारे हॉस्टल्स हैं ना उनको बहुत लिमिटेड कर दिया, जी जी, जो मोबाइल रखना लैपटॉप प्राइवेट खूब हॉस्टल बाहर, हमारे हॉस्टल में अभी 1 मई के बाद थोड़ा इसको और टाइट कर रहे हैं, क्योंकि गार्जियन खुद चाहते हैं इस चीज़। और सर, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए, प्रियंका एक बच्ची आप लेके आए, हाँ, उसका एक पिताजी ने थे, और हमारे पिताजी ने आपसे निवेदन किया था कि साहब इस कुछ हम कलेक्शन करके लाए हैं और आपको इस बच्चे को पढ़ाना है, तो आपने कहा कि आप कलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं, इसको मैं ही पढ़ा दूंगा। और उस बालिका ने आपकी आशीर्वाद से 12वीं के साथ फिर 12
उसने 134वीं रैंक से MBBS बारहवीं के साथ गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन हुआ। देखो मैं माफी चाहता हूँ, वीडियो में बात ने बोलनी चाहिए मेरे को, बच्चे के पिताजी नहीं थे, आपके फादर साहब ने बात रखी तो उन्होंने बात इतनी मन से रखी, उनका सब चौधरी साहब हम कुछ कलेक्ट करें, मैंने कहा यार भाई आप तो आशीर्वाद दे दो सीएलसी के। उसका छोटा भाई भी था, छोटा प्रसन्नजीत टीका था, वो कहाँ है अभी? वो NIT कुरुक्षेत्र में था, उसकी जॉब लग गई अभी वहाँ अपने अलंक में, सब जॉब लग रहे हैं बच्चे। और प्रियंका तो पीजी कर रही होगी अभी? हाँ पीजी है, गायनेस्ट में। क्या बात है, गायनिक लड़की के लिए गायनिक से बड़ी ब्रांच भी होती है। एक यार आपकी लड़की थी पंखुड़ी नाम की बच्ची भी थी, वो अशोक जी दत्त पत्रकार, हाँ उनकी बेटी, हाँ वो RS उसमें चली गई है प्रशासनिक सेवा में, वो तारीख कर रही है, UPSC की तारीफ लगी हुई थी, अभी भी तैयारी कर रही है। उसके फादर से कुमार विश्वास दोस्त भी है, कुमार विश्वास है ना, हाँ करीब, हाँ जी, हाँ कुमार हमारे कवि मित्र के, वो कुमार साहब ने वेर कोट किया था, वो जब पंखुड़ी थी ना तो मेरे पास कुमार साहब फोन आया था, अरे चौधरी मेरे दोस्त की बेटी तेरे पास, ऐसे बोलते अरे चौधरी मेरे दोस्त की बेटी तेरे पास पढ़ती है, ध्यान रखना उसका, नाम उंगलियों पे है मेरे भी, सब बच्चों के नाम उंगलियों पे है। अब रिजल्ट देंगे तो आप याद रखेंगे साहब, सर सर। और मलारगढ़ का नाम आपके जीवन पे, जिला कौन सा आपका? मंदसौर आपका जिला है, मलारगढ़ तहसील, तहसील है, और मध्य प्रदेश आपका है। अभी हमें जाए, मैं उज्जैन जाके आया था। जी जी जी, आप अभी आप ही के सरनेम के राजेश साहू जी है हमारे, आप ही गोत्र के, जी जी, वो है गुना के, गुना के। तो मैं जब जा रहा था ना उज्जैन तो उनको पता लगा फेसबुक से, तो मेरे से मिलने आ गए वो रोड पे, उनकी गुड़िया भी अपने पास यहीं पड़ रही है। राजेश साहू जी आपको नमस्कार, वो भी आपकी तरह बिल्कुल जुड़े हुए मेरे से। तो राजेंद्र साहू साहब आप खेती करते हैं, आपने बेटियों को छोड़ा, एक बात वीडियो लोग देखेंगे, जी जी जी, आपकी बेटियां रही, कभी घर में किसी प्रकार की टेंशन हुई कि बेटे दूर बैठे हैं इतने? हमें टेंशन नहीं है, इसलिए चौथी बेटियां आए हैं। क्या बात, कभी चौथी बेटी लेके आए? टेंशन होती तो 150 तो दादा दादी ने कभी से कहा नहीं यार बच्चों को कितना दूर भेज दिया? कभी भी नहीं कहा, उन्हें शिकन भी नहीं हुई और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। दादी स्वस्थ हैं अभी? बिल्कुल स्वस्थ, मेरा प्रणाम है दोनों को, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं एक हमारे मध्य प्रदेश के इस भाई को महाकाल उज्जैन के धरती से, दोस्तों वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं कि कुछ लोग कई बार कांच के टुकड़ों को हीरा बना के बेच देते हैं। तो दोस्तों 13 साल से हर व्यक्ति का विश्वास बढ़ता जा रहा है, और एक खास बात बार बार कहता हूँ, जिसके CLC समझ में आती है उसकी पूरी समझ में आती है। मेरा एक डायलॉग है, जो समझ गया CLC को उस घर से कभी सिंगल सिलेक्शन पे नहीं रुकती है बात, वहाँ 4, 5, 7, 10। आपके कितने लाए बच्चे सेलेक्ट हुए यहाँ से CLC से? मैं लगभग 40 बच्चे आ चुके हैं, और लगभग सबका वो सेट है कहीं ना कहीं, MBBS हो, NIT हो, BDS हो, मतलब वो बेरोजगार कोई नहीं उनमें से, बेरोजगार है। क्या बात, 40 बच्चे आप लेके आए, राउंड फिगर बोल रहे संख्या, वो सारे कहीं ना कहीं आज अपने पाँव पे खड़े हैं, परिवार के वो बोझ नहीं है सारा है, वो अपने परिवार की नींव बने, मतलब अपने मजबूत पिलर बने गए परिवार के। और सर सभी हिंदी मीडियम के थे। क्या बात है, इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा नहीं। क्या बात है, वो हिंदी भाषी गाँव के बच्चे बड़ा पोटेंशियल होता है। तो दोस्तों CLC का सपना जो हुआ करता था हर गांव से डॉक्टर बने इन्होंने अपना, ये ऐसे पूरा हुआ है, अब तो नया सपना आ गया, हर घर CLC, हर दिल CLC। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने वीडियो देखा, और ऐसे मध्य प्रदेश के किसान परिवार के हमारे साऊ भाई ने अपने भतीजियों को, बड़े भाई साहब बेटे भतीजी बोलते हैं हमारे यहाँ, भतीजियों को, बेटी, यार दोस्तों के बच्चों को छोड़ा, और मैं आभारी हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे इतना स्वस्थ रखा कि मैं जो सपने लेके आप यहाँ आए, मैं उन सपनों खरा उतर सका। आज आप फिर सुबह 2-3 बच्चों का एडमिशन लेके आप आए, जी जी, बेटी को लेके आए आप, जी जी, और 2-3-7 बच्चों को लेके आए, आप अकेले कभी नहीं आते, जब भी आते हैं तो 6-7 लेके आते हैं एडमिशन। तो दोस्तों जुड़े CLC के साथ, मैं तो वही श्रवण हूँ, ये वही CLC है, आपको साहू भाई कितने विश्वास करके CLC आना है। थोड़ा सा बताऊँ साहू साहब, अभी CBSE स्कूल भी लॉन्च कर दिया अपने, हाँ। जो पहले BR स्कूल था चिरासी वाला, जहाँ आपके बच्चों नाम होते हैं, वो कन्वर्ट हो गया CBSE में। जी जी जी, आप विजिट करो, छोटा वाला बेटा जो समर है वहीं बैठ रहा है, प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक का इतना प्यारा स्कूल है, 40 बीघा में फैला हुआ स्कूल है, वहाँ एकेडमिक बेस्ट है, वहाँ 21 तो लेब है, जी जी, आजकल लैंग्वेज की भी लेब है, मैथ की भी लेब है, रोबोटिक की भी लेब है, मतलब वो समर का, खैर वो बाहर स्पेन से MBA करके आया था, साहिल ने उसको बिल्डिंग बना के दे दी, मैंने साहिल ने मिलकर वो उसको पूरा फुल प्लेस सेट कर दिया। तो प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक आप केवल स्कूल करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो CIS के साथ, जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, सारी वो सेट कर दी। और राजस्थान बोर्ड का स्कूल तो अपना KVM है, कहने की बात ही नहीं है, राजस्थान के टॉप स्कूलों में एक स्कूल हमारा KVM है, बाकी अपने NDE भी स्टार्ट कर दिया लास्ट ईयर, देखा होगा, तो नीट के लिए, JEE के लिए, NDE के लिए आप बच्चों जोड़ सकते हैं। बाकी साहब साहब आप सब जानते हो कि आजकल पढ़ाई स्टार्ट 6th क्लास से हो गई है, जी जी जी। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन है, 11, 12 फाउंडेशन है, 12 के बाद टारगेटर, केवल स्कूल कराना है
तो सीबीएसई कराना हो तो सीआईएस, आरबीएससी कराना हो तो केवीएम। और अलवर और जयपुर अपने दो ब्रांचें भी चला रहे हैं अपन। तो साहब और कोई एक लाइन गार्जियंस के नाम? मेरा बच्चों को अपने पास वापस बुलाना है पढ़ाई के बाद, तो सीएलसी दे दीजिए आप। भाई का अर्थ समझो, भाई ये कहना चाहते हैं कि सिलेक्शन के बाद भी बच्चे हमारे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और सीएलसी ही करती है, बहुत गहरी बात कहेंगे, सफल होने के बाद भी बच्चे आपके हैं, अपने पास रहे। ये हम वो बच्चे पैदा नहीं करते कि बेटा पोता आईएएस बन गया और दादी सुसाइड करना पड़े। हरियाणा में केस हुआ था, जी जी जी। पोता कलेक्टर है, दादाजी को रोटी के अभाव में सुसाइड करना पड़ा। दोस्तों ये मेरी सोच है और मैं इस सोच पे खरा उतर रहा हूँ। मैं मेरे नाथ जी से, मेरे गुरुदेव से प्रार्थना, यही प्रार्थना करता हूँ रोज कि मैं मेरे ऐसे मित्रों के सपने पूरे कर सकूँ। दोस्तों सपने आप देखो, बड़ा हम करेंगे, पूरा हम करेंगे। नमस्कार, जय सीएलसी।